सबसे पहली चीज रेनेसा, जाने कितने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं इसे। हमने सोशल स्टडीज में क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और एक ही शब्द सब रटे रहते हैं कि रेनेसा रिबर्थ, रेनेसा रिबर्थ, जो भी कहता है तो उनको लगता है कि भैया यही सही है, ठीक है। इसके पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। अब देखिए रेनेसा क्या है, पहले समझते हैं इसको। और रेनेसा जो टर्म है, जो क्वेश्चन है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड हम क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर हिस्टोरिकल चीजों पे भी आएंगे, बैकग्राउंड पे जहां जहां से क्वेश्चन निकलते हैं वो आएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही निकलता है जिस पर जिसकी हमने बात की, कि जो टर्म रेनेसा है इसमें मैं आपको कुछ इतनी गहरी एकाध क्वेश्चन बताऊंगा और इतने जबरदस्त फैक्ट बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता होंगे, कि रेनेसा जो है वो जो वर्ड है बेसिकली, इस वर्ड के बारे में सब ये जानते हैं कि ये रेनेसा का मतलब रीबर्थ होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, रेनेसा जो टर्म है, देखिए पहला क्वेश्चन ही जबरदस्त है, वो जब पूरे वर्ल्ड ने रेकग्नाइज किया, यानी जब पहली बार इसका इंट्रोडक्शन दुनिया के सामने आया, रिकॉग्नाइज फर्स्ट, पहली बार, तो वो थी 16th सेंचुरी। इस वर्ड को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया 16th सेंचुरी में, ठीक है। और कब, जब 16th सेंचुरी में एक इटालियन वर्ड, इटली से इसकी शुरुआत हुई है, इटालियन वर्ड जिसका नाम, जब प्रोनंसिएशन है रिन, RINASCITA, रिनेसिता, ये इटली में बोला जाता है और इटली में इसका नाम होता है रिबर्थ। फ्रेंच में भी जो है इसको रिबर्थ ही कहते हैं, रेनेसा को, ठीक है। इटालियन वर्ड रेनेसिता, रिबर्थ से 16th सेंचुरी में इसको यूज किया गया, इस शब्द को पहली बार, ठीक है। और जब इसको पहली बार यूज किया गया तो इसको किस रेफरेंस में यूज किया गया, ये कहना चाहते थे कि 16th सेंचुरी में ये वर्ड यूज हुआ किसके रेफरेंस में, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। इसका मतलब क्लासिकल लिटरेचर के पुनर्जन्म के लिए ये वर्ड यूज हुआ, रेनेसिटा या रेनेसा। अब क्लासिकल क्या चीज होती है लिटरेचर के अंदर? क्लासिकल वही होता है जो हमारे चारों ओर क्लासिकल बोला जाता है। यार ये लोग जीने नहीं देंगे, हु इज द, रुकिए मैं ही ऑफ कर रहा हूँ, एक ही और कौन खुला है? देखिए मैं माइक ऑन का अपने वहां ये फीचर देता हूं इसलिए कि आप डिस्कशन कर पाए और ऐसा लगे कि क्लास लाइव है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप माइक एटिकेट बोल जाएं, ठीक है। ऑलराइट, मैं सारे ही माइक साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। सारे माइक साइलेंट हो चुके हैं। अब जब मैं कोई डिस्कशन करूंगा तब मैं खोलूंगा, ठीक है। तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर जो है, जब हम क्लासिकल का क्या मतलब है हमें लिटरेचर के अंदर, इसको समझे। क्लासिकल हमेशा एक शब्द है जिसका मतलब होता है बाउंड बाय रूल्स। ये बताओ तुमने क्लासिकल म्यूजिक सुना होगा, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक कहते हो तो क्लासिकल म्यूजिक कोई भी गा सकता है क्या? नहीं नो गा सर, सकता। नो तो सर, जब जब कोई नहीं गा सकता तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को उसके नियम नहीं पता है। एक राग में क्या नियम है, किस तरीके से गाया जाएगा, कैसे उसको जो है बजाया जाएगा उस म्यूजिक को, वो सिर्फ वही जानता है जिसको उसके रूल्स पता है। तो जितना भी क्लासिकल, जब भी मैं कहता हूँ लिटरेचर, तो इट मीन्स द लिटरेचर विच इज बाउंड बाई रूल्स, जिसमें आप अपनी पर्सनल फ्रीडम नहीं ले सकते और जैसे उन्होंने रास्ते तय किए हैं वैसे ही लिखना है। और ये क्लासिकल लिटरेचर का जन्म जो है सबसे पहले आपका ग्रीस में
और रोम, रोमन लिटरेचर, ये सब जो है यहाँ क्लासिकल लिटरेचर ही बिखरा पड़ा था, तुम्हें पता है, होमर, ठीक है, और आपके वर्जिल, ये जितने भी नाम सुने आपने, ये सब कौन है, क्लासिकल राइटर हैं जो किसी ना किसी नियम से बंध के लिखते थे। तो बात ये हुई कि अचानक 16 शताब्दी में ये हुआ कि पुराने लिटरेचर को रिवाइव किया जाए, तो उसके लिए वर्ड सबसे पहले रेनेसा यूज हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं जो दूसरा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन कह रहा हूं, वो है पहला व्यक्ति कौन था जिसने रेनेसा को यूज किया, टर्म को, फर्स्ट पर्सन हु यूज रेनेसा। 1 मिनट आप देंगे, जीके वाले सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सारे लोग इसी टेंशन में है कि रिकॉर्डिंग में वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, आ जाएगी, सब लोग सॉल्व, हमने कैसी कैसी प्रॉब्लम सॉल्व की, ये भी हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन जिसने इसको यूज किया, द टर्म, फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म, किसी को पता था इसका नाम आज तक, बोलो, जिस पहले व्यक्ति ने इस टर्म को यूज किया है, वो था नो सर, फ्रेंच हिस्टोरियन, प्लीज सर। फ्रेंच हिस्टोरियन था, और उस फ्रेंच हिस्टोरियन का नाम था, द फर्स्ट पर्सन हु यूज वॉज जूल मिशेट, ठीक है, जूल ये है वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले फ्रेंच जो है रेनेसा टर्म को यूज किया है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका पिन पॉइंटेड, ठीक है। और तीसरा जो चीज है कि फर्स्ट थिंकर जो था वो रेनेसा का और यूज करने वाला डिफाइन करने के बाद, ये जो है इसने आइडिया दिया, इन्वेंट किया, आइडिया दिया रेनेसा का। लेकिन जब हम बात करें कि इसको एक इटली में 15th सेंचुरी फेनोमेना किसने बताया, यानी कि इस पूरे रेनेसा को इटली में पैदा हुआ या इटली से रेनेसा चला, ऐसी बात किसने कही, ठीक है, और ये कहा कि 15th सेंचुरी में इटली में रेनेसा शुरू हो गया था, इस बात को सबसे पहले जो लेके आए हैं वो है जैकब, ठीक है। जिसने इसको इटली से रिलेट किया, ठीक है, द फर्स्ट पर्सन वो रिलेटेड, जो मैं यहां कॉन्सेप्ट में बताऊंगा वो आप वीडियो में जरूर देखिएगा, ठीक है, रिलेटेड इट विद इटली, विद इटालियन फेनोमेना ऑफ 15th सेंचुरी। वो आदमी था जैकब बुर्शस्ट, ठीक है, बस ये दो ही नाम बताऊंगा, उसके बाद इन नामों पे नहीं जाएंगे क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है, BURCKHARDT। तो इसने कह दिया भैया ये इटली में 15th सेंचुरी में शुरू हुआ था, ये बात जैकब ने कही है, ठीक है। और जब इसने ये कही है तो इसने अपनी किताब, इसने एक बुक छापी थी, उसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। ठीक है,
अब आते हैं हम बेसिक चीजों पे रेनेसा की, और वो बेसिक चीजें क्या थी। जब हमने सुना है कि एक फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर हुआ था 5th सेंचुरी में, ठीक है, फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन 5th सेंचुरी, तो उस समय क्या था कि रोम और ये बड़े पावरफुल राज्य थे, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर आक्रमण हुआ और रोमन एम्पायर का फॉल हुआ। अब आक्रमण किन का हुआ, आक्रमण सारे तुर्क लोग थे, और जिन्होंने जो बड़े जबरदस्त लड़ाके होते थे और आक्रमण करते थे और कहीं भी जंगलियों की तरह छा जाते थे, उन्होंने इस पे लास्ट में आक्रमण किया था। तो रोम में जितने स्कॉलर्स थे वो वहां से शिफ्ट होके पहले ही बाइजेंटाइन एम्पायर की ओर शिफ्ट हो गए। रोमन एम्पायर से स्कॉलर्स कहां गए, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। बाइजेंटाइन, इस पूरे वर्ड को आपने डब्ल्यू बी येट्स की पोयम में भी सुना होगा, बाइजेंशियम सुना है? यस सर। ये बाइजेंटाइन एम्पायर की ओर शिफ्ट हो गए, और बाइजेंटाइन एम्पायर को एक्चुअली क्या कहते हैं, बाइजेंटाइन एम्पायर जो है उसका दूसरा नाम है वेस्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और इसको हम ईस्ट साइड कह सकते हैं रोम की, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्ट से अटैक हुआ इन पे, सब भाग के स्कॉलर्स, जो जितने पढ़े लिखे लोग और जितने समझदार जितने लोग रोम एम्पायर के जो स्तंभ थे समाज के, वो वहां चले गए। और उन्होंने क्या करा वहां पर, यहाँ पर एक चीज किया कि जब भी इन पे अटैक हुआ, इन लोगों ने सबसे पहले यहां से अपनी जितनी चीजें थी, जैसे लिटरेचर, अपनी जो एंटीक्विटीज थी, जो बढ़िया संभालने लायक चीजें थी, उनके कल्चर की निशानियां थी, वो सब समेट के अपने इन पूरी चीजों को नष्ट होने से बचा लिया, और इन सब को समेट के वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में शिफ्ट हो गए सारे स्कॉलर्स। तो सभ्यता की निशानियां बची रही, और इन्होंने यहाँ पर ईस्टर्न रोमन एम्पायर में इन सब चीजों को प्रिजर्व कर लिया, जितनी चीजें हैं वहां से लेके आए, पोथी, अपनी सारी चीजें, अपने कल्चर से रिलेटेड चीजें, उन आक्रमणकारियों से बचा लाए। और समझदार लोग ये करते हैं, क्योंकि एक चीज का मिट जाना यानी पूरे कल्चर का खत्म हो जाना होता है, ठीक है। और उसी समय दूसरी ओर क्या हो रहा था, जो वेस्टर्न यूरोप था, यूरोप पे भी समझे, उसमें क्या था, कोई भी साइंटिफिक कल्चरल एडवांस नहीं था, एडवांसमेंट नहीं था, ठीक है। और इसीलिए अब जरा एक इस साइड देखें, वेस्टर्न यूरोप को, यूरोप में क्या हो रहा था, दोनों चीजों का कनेक्शन है। यूरोप में तुम्हें ये जान के आश्चर्य होगा, 5वीं से 14वीं शताब्दी तक, एक और क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हें, कोई खास कुछ नहीं हुआ, लैक ऑफ डिस्कवरीज, लैक ऑफ एडवांसमेंट, फिर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे चीजें, यूरोप और ये सब देखो धीरे धीरे। तुम जानते हो 5th से 14th सेंचुरी को वेस्टर्न यूरोप की डार्क एजेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हुआ, इसलिए दिस इज कॉल्ड डार्क एजेस। अगर आप मेरी एक यूट्यूब वीडियो में देखें, एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन की, मैंने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, उसमें बताया कि 15th से 14th सेंचुरी को हम डार्क एजेस कहते थे, और क्यों कहते थे उसके रीजन बताए, ठीक है। अब क्या होता था कि यूरोप में तो कुछ हुआ नहीं, ये यहां चले गए, ठीक है, यहां बस के चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जब चीजें आगे आगे बढ़ी, ठीक है, धीरे धीरे, जो डार्क एजेस में क्या हुआ था, मैं खासकर बता दूं आपको, एक इटालियन स्कॉलर जो 14th सेंचुरी का था, उसने ये कॉइन किया था टर्म डार्क एज, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहता था यहाँ कोई गुड लिटरेचर नहीं है, ठीक है, रोमन एम्पायर के बाद कुछ बचा नहीं, जब वेस्टर्न रोमन, जब से बड़ा एम्पायर फॉल हो गया,
तो वो बेसिकली अपने ऑब्जर्वेशन ये देखता था कि क्लासिकल चीजें खत्म हो गई हैं दुनिया में रोम के जाने के बाद, क्योंकि रोम के कुछ स्कॉलर छिप के कहाँ बैठे थे, बाइजेंशियम में बैठे थे, ईस्टर्न रोमन में, ठीक है। दूसरा डार्क एजेस में ये भी था कि रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, और इनका फ्यूडलिज्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद, और इनका बहुत ज्यादा एक लोगों के ऊपर क्रुएलिटी थी। तुम जानते हो उस समय चर्च भी लोगों को मरवाने का काम करते थे और अपनी पूरी रेड नाइट्स की आर्मी को कंट्रोल करते थे जो कत्ल करते थे, ठीक है। चर्च भी इतने खतरनाक थे। तो लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहाँ बसा हुआ था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर जहां ये छिपे हुए थे, वो पूरा जहां था उसका पूरा इन्होंने जो सहेज के रखा था, तो वो किस ओर इशारा करता है वो ध्यान में रखते हैं। अब एक घटना आती है, ये सबसे ज्यादा इसको रिलेट करेगी, वो है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सुना है आपने? यस सर, ठीक है, यस इसको कस्तुतूनिया राज्य का अंत कहते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छी सीरीज है नेटफ्लिक्स में, द ओटोमैन है शायद, या फिर हाँ द ओटोमैन ही है। तो क्या हुआ कि 5वीं से 14वीं शताब्दी तो भैया डार्क एजेस रही, क्योंकि ये जो स्कॉलर्स थे ये छिपके बैठ गए और दुनिया में क्लासिकल लिटरेचर एक तरीके से, और जितनी बढ़िया चीजें थी वो अस्त टाइप की हो गई। अब समझ गए आप क्यों रहा ये डार्क एज, क्योंकि ये तो छिपे बैठे हैं स्कॉलर्स, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, कोई कहीं पर इन्वेंशन नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई नई चीजें नहीं आ रही, इजाद नहीं हो रही, नया लिटरेचर नहीं आ रहा है। तो उसके बाद इन लोगों का रोमन साम्राज्य का जो सारा ताना बाना था, और जितने बचे कुचे स्कॉलर थे वो एक बहुत सेफ जगह पे रहते थे, और जिसको हम आज इस्तानबुल नाम से जानते हैं। इस्तानबुल सम सुना है तुमने? जी सर, इस्तानबुल की साढ़े खासियत यह है कि दुनिया की कम से कम 450 से ज्यादा वैरायटी तीन साढ़े बिल्लियां वहां पाई जाती हैं, और वहां तुम ऐसी ऐसी बिल्लियां देख सकते हो कि कुछ कहने की हद ही नहीं। तुमने पर्शियन कैट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारी बिल्लियां आपको वहां मिल जाएंगी रोड में क्रॉस करते इधर उधर। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां समुद्र से मैं व्यापार करने के लिए जहाज आते थे, और वो जहाज में जो अनाज आता था उसमें चूहे उसे खा जाते थे, तो उसके लिए अपने जहाज में बिल्लियां पाल के रखते थे। जब वो यहाँ रुकते थे जहां, उन दिनों ये बिल्लियां यहीं घूमने लग जाती थी शहरों में, और कुछ यहीं रह जाती थी, कुछ छूट जाती। तो दुनिया की हर कोने कोने की बिल्लियां यहाँ आ गई, और आज दुनिया की जितनी वैरायटी यहाँ मिलती है बिल्लियों की, उतनी कहीं नहीं मिलती। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इस फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को सबसे ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। ये एक ऐसा एरिया था जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये एक बहुत बढ़िया अभेद्य दुर्ग था जहां ये लोग छिपे थे, ठीक है, जहां इनका लास्ट के लोग थे स्कॉलर्स। यहाँ पर एक पूरा समुद्र से और पानी से घिरा हुआ एरिया था इनकी दीवार के बाद, ठीक है, इस कोने को किनारे को। और यहाँ पर थोड़ी सी जो है, जो ये एरिया था नीचे का, इस पे जमीन थी थोड़ी सी, इस साइड को ये पानी का था, तो इस साइड से तो यहाँ आना बहुत मुश्किल था। इधर जो जमीन थी ये भी ऐसा था कि जो थोड़ी बहुत जमीन थी इसके इधर घने जंगल थे, फॉरेस्ट। और मोहम्मद सेकंड नाम का जो व्यक्ति था उसने कसम खाई थी कि वो इस अभेद्य दुर्ग को जीतेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे जबरदस्त इमारत थी जिसे हेजिया सोफिया कहते थे। हेजिया सोफिया का देखना तुम, गजब की जो कलाकारी है इसमें, कैथोलिक चर्च और ये सब इसमें था, पूरा इनका चर्च था और ये सब। इनका जो फादर था मोहम्मद फर्स्ट जो है वो कभी भी इस किले को नहीं जीत पाया था, पर उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो जीते।
वो हार गया और लौट गया, लेकिन इसके बेटे ने कसम खाई कि मैं इतने दिन में इस किले को जीत लूंगा, और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी और तोप उस समय जो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल थी वो यहाँ लेके पहुंचा। जितने दिन की उसने कसम खाई थी उतने दिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक दीवार के बाद इनकी 7 दीवारें और थी तब जाके शहर था, और हर दीवार पे इनका एक इटली का बहुत गजब का नाइट था जो इस पूरी दीवार में अपनी अंडर लीडरशिप के सारी आर्मी का संचालन करता था। एंड ही वाज ग्रेट स्किलफुल वॉरियर एंड श्रूड माइंडेड, किसी भी रणनीति का माहिर। मोहम्मद सेकंड इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मोहम्मद सेकंड ने लास्ट में किया कि जमीन खोद के सुरंग बना के ये जमीन से यहां पहुंच गए, लेकिन इन्होंने भाप लिया और इन्होंने वहां तेल डाल के आग लगा दी सुरंगों में, और सब उसके सैनिक यहीं मर गए। लास्ट में मोहम्मद जब कुछ नहीं कर पाया, जब हार गया, तो उसने एक बहुत कटु चाल खेली। जो इधर फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहती थी, उनके सरदार थे, वो सरदार इन सब लोगों से बेसिकली मिले जुले थे, तो उन्होंने क्या किया, इन ट्राइब्स के सरदारों को पकड़ लिया और उनको डरा के मोहम्मद की सेना ने चुपचाप एक प्लान बनाया कि वो यहां तक कुछ बात ना फैलाएं। और इस जंगल के रास्ते, यही उसका सबसे क्रिएटिव पार्ट है जो मोहम्मद ने खेला, इस जंगल के रास्ते पेड़ काट काट के एक रोड बनाई, और उन रोड में इन लकड़ी के गिल्टों को ऐसे रख के इसमें तोप ले जाके ना सॉरी अपने जहाज लुढ़का लुढ़का के वो जंगल के रास्ते यहां पहुंचा दिए पानी में। और ये लोग यहां से बिल्कुल ये बेफिक्र थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, और रात को ये लोग पूरे लकड़ी के जहाज यहाँ लेके यहाँ से इन्होंने धावा बोला और इससे ये अंदर घुसे, और इस तरीके से इन्होंने इस पूरे शहर को नेस्तानबूत कर दिया, और उस रात इसमें सब कुछ जला के खाक कर दिया, और हेजिया सोफिया पे बिल्कुल अपना अधिकार जमा लिया गया। और इसके सारे जो रोम के स्कॉलर्स थे अपनी पोथी लेके यहां से निकल भागे चुपचाप एक छोटी सी नाव में, और ये पूरा कब्जा हो गया मोहम्मद सेकंड का। दिस इवेंट इज नोन एज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, ओटोमैन तुर्क नाम था, वो भी तुर्क था। अब बारी आई कि भैया ये लोग अब कहां जाएंगे। ठीक है, तब ये लोग पहुंचे यहां से इटली में, वेनिस में, और एक शहर है फ्लोरेंस इटली का। ठीक है, और अब ये वहां जाके बस गए फ्लोरेंस एंड वेनिस में, और फिर जाके वहां पर ये जो बाइजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर्स थे आखिर में वहीं इन्होंने शरण ली, और इनका वहां शरण लेना पहला स्टेप था रेनेसा, इटालियन रेनेसा की ओर, जो दुनिया आज रेनेसा के नाम से जानती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बोलो? ये पहला स्टेप था अभी तक, अभी आगे बढ़ाया जाएगा। यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। से चल रही है इस वक्त फ्लोरेंस इटली में 14th सेंचुरी हो गई। हाँ, जब ये आक्रमण हुआ था, ये भी बता दूं आपको, तो जब ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था ये लगभग आपकी सेंचुरी हो गई थी 14th सेंचुरी, 1453 बल्कि 15th सेंचुरी हो गई थी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था 1453, जब ये इटली को भागे सब लोग, इटली में शरण ली इन्होंने, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब देखो कैसे चीजें होती हैं। फ्लोरेंस और इसमें जो ये बचे खुचे लोग थे यहां पहुंचे, लेकिन अब इन्हें यहां डर नहीं थी किसी चीज की, और इटली में काफी दूर थे सारे खतरों से। अब क्या हुआ कि इन्होंने यहां धीरे धीरे अपनी जो है जनसंख्या बढ़ानी शुरू की, यहां रहना शुरू किया, कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, लोग इस इनके साथ जुड़ने लगे, एंड दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर नंबर। इन सब प्रक्रिया में कितने 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, और ये जब धीरे 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 यहाँ डेवलप होने लगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कम्युनिटी के डेवलप होने पे कम्युनिटीज के तौर तरीके, वेज, कम्युनिटीज के कल्चर, कल्चरल एस्पेक्ट, कम्युनिटीज के ट्रेडिशंस, और कम्युनिटीज के आपके जो है लिटरेचर,
कम्युनिटीज का स्टाइल ऑफ लाइफ, ये सब जो है धीरे धीरे वो समाज में दिखने लगा। और धीरे धीरे ये सब चीजें जब होती हैं, इसे ट्रांजिशन कहते हैं, हमेशा जब चेंज होना लगता है। तो ट्रांजिशन की खास बात होती है कि वो पहले हल्के 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 बढ़ता है और अचानक वो स्टीप ले लेता है। जैसे आपका पहला मोबाइल जब आया था, तो बहुत दूर की बात नहीं है, ठीक है, ये बात है लगभग जिन दिनों पहली बार इंडिया में दस्तक दी थी मोबाइल ने, और जब बड़े बड़े मोबाइल होते थे और हैवी नोकिया जब छा गया था उन दिनों, मुझे आज भी याद है कि वो 2000 और 2001 का मामला था, 2001 के करीब। और 2002, 3, 4 तक धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, और आप यकीन नहीं करोगे, अचानक 2008 में आने तक हर एक के हाथ में मोबाइल था, हर एक के हाथ में। और उसके बाद तो चीजें ऐसे बढ़ी कि पूछो ही मत, अब तो शूट हो गई चीजें। तो धीरे 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 इन्होंने जो यहाँ पर अपना कल्चर, अपना जीने का तरीका सेट किया, उस सेटअप को देख के अड़ोसी पड़ोसी भी, जो इटली के ओरिजिनल जो निवासी थे, वो भी प्रभावित होने लगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इन्होंने भी उनके जो अच्छे तरीके, उनसे दोस्ती करना, उनसे मिलना जुलना, उनके अच्छे तौर तरीके सीखना, और उनके कई चीजों को अपने में आत्मसात करना, उनके जैसी ही चीजें क्रिएट करना, उनके जैसे घर बनाना, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अब यहाँ पर अपनी करने लगे थे, ये अपनी पेंटिंग्स कर रहे थे, ये अपने जो है स्क्रिप्चर्स लिख रहे थे, ठीक है, ये अपना लिटरेचर लिख रहे थे, ये अपने नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, एवरीथिंग, देवर मेकिंग देयर हाउसेज, देवर जस्ट स्टिचिंग देयर ड्रेसेज ऑफ देयर स्टाइल, व्हाटएवर। तो धीरे धीरे इसने इन्फेक्ट करना शुरू किया एंड पीपल स्टार्टेड अफेक्टिंग बाई देम, और लोगों ने इनको कॉपी करना शुरू किया, ठीक है। और जैसे जैसे ये डोमिनेंट होने लगा इनका जो है प्रभाव वहां पे, तो उस प्रभाव से ये लोग इतने प्रभावित हुए वहां के लोग कि उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ दिया इटालियंस ने, और इनको कॉपी करना शुरू किया, और अचानक इन्हीं के रंग में रंग गए। और जैसे ही वो इनके रंग में रंग गए, तो कम्युनिटी में जितनी भी इटली की ओरिजिनल कम्युनिटी थी, उसमें क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा जो है चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज, बिग चेंज, जिसे डोमिनेंट चेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो बिग चेंज, और वो चेंज क्या था, अपने सारे तौर तरीके को चेंज करना था। तो अचानक ऐसा लगा सोसाइटी में सब नई चीजें आ गई, तो ये जो चेंज थे, इससे ऐसा लगा कि सोसाइटी का अचानक पुनर्जन्म हो गया, रिबर्थ हो गया, एवरीथिंग गॉट चेंज, एंड पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन टोटली न्यू वेज, इन न्यू स्टाइल, एंड दैट होल फिनोमेना इन इटली इज टर्म्ड एज रेनेसा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक है। इसने ट्रिगर किया इनके आने ने, तो देखो बेसिकली अगर आप गौर से समझो तो ट्रिगर किसने किया है, रेनेसन, ट्रिगर करने के पीछे स्कॉलर्स का ही हाथ है। इसीलिए किसी ने इसको क्रिटिक ने, या क्रिटिकल तरीके से अभी हम जो पीछे बात कर रहे थे, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर भी कहा है, याद है अभी मैंने बताया था। क्योंकि असल में रोमन्स और ग्रीक एक्चुअली किस चीज को रिवाइव कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग देयर ओन ट्रेडिशनल क्लासिकल लिटरेचर। तो यही छू रेनेसा, पता चल गया रेनेसा क्या है, अभी ये सिर्फ एक बीज बोया है, अभी आगे बातें चलेंगी। तो यहां तक तो क्लियर होगा, अभी भी किसी के मन में कोई संदेह शक तो बोलो। तो ट्रिगर करने के ऊपर किसका था? ट्रिगर करना मतलब ये होता है कि किसी चीज को तेजी लाना, क्या था तेजी लाना, रेनेसा में तेजी लाने का पूरा रोल किसका है, स्कॉलर्स का ही तो है। रेनेसा किन की वजह से ट्रिगर हुआ है, कहीं पर आया है, जैसे गोली किसकी वजह से चलती है, ट्रिगर की वजह से, वैसे रेनेसा का ट्रिगर क्या है, क्लासिकल लिटरेचर और ये स्कॉलर्स, बोलो है कि नहीं? यस सर, ठीक है। अब जब ये चला, तो अब अगला क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो ये हैं, लेकिन अगला मेन क्वेश्चन किसमें से आएगा, रेनेसा के कुछ फीचर थे, उन फीचर्स में जो रेनेसा हो रहा था उसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व की जा रही थी, और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे,
और वो फ्यूचर में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेनेसा के अंदर एक फ्यूचर था ह्यूमैनिज्म, आपने ह्यूमैनिज्म बहुत सुना होगा, लेकिन याद रखना इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरल मीनिंग। पता चल रहा कि आप समझो ह्यूमैनिज्म का मतलब मानवतावादी, ठीक है, जैसे सब लोग डायलॉग मारते हैं ह्यूमैनिटी बची है कि नहीं तुम में कुछ, ठीक है, कितनों को तो पता ही नहीं होता ह्यूमैनिटी क्या होती है, लेकिन वो कहेंगे ह्यूमैनिटी बची है कि नहीं। ऑलराइट, कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में हमें यहाँ पता ही नहीं होती, लेकिन हम बड़े स्टाइल से बोलते हैं, जैसे बड़े फैशनेबल लोग उतरते हैं गाड़ी से और फिर बातें करते हैं, हाँ वो बहुत प्राउडी है, ठीक है, उससे तो बात करने में मजा ही नहीं आता, ही इज वेरी प्राउड, और टोन भी बदल जाती है, जीभ एक्स्ट्रा जो है एंगल लेने लगती है, इज वेरी प्राउडी। ऑलराइट, तो ऐसा है उनको ये पता ही नहीं होता कि प्राउडी वर्ड होता नहीं है बेसिकली, ठीक है, लेकिन खूब यूज हो रहा है, तुम भी हिंदी बहुत बढ़िया यूज कर रहे हो, ठीक है, और कैसी हिंदी यूज करो तुम्हें पता ही है, टीचरों ने हमें ये सिखाया था, तो ह्यूमैनिज्म क्या है, ह्यूमैनिज्म भी हर कोई ऐसे यूज करने लगता है जैसे मानवतावादी, या क्या तुम में मानव मानवी गुण नहीं है, लेकिन इससे कनेक्टेड जरूर है ह्यूमैनिज्म। क्या है ह्यूमैनिज्म, तो ह्यूमैनिज्म सबसे पहला फीचर है, और इटली में जो ये ह्यूमैनिज्म ने मोमेंटम गेन किया उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये सबसे पहले समझना होगा। तो ह्यूमैनिज्म इज एन आइडिया ऑफ व्हाट, ह्यूमैनिज्म किस चीज का आइडिया है, वो कहता है कि मैन इज द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं अपनी लैंग्वेज में, मैन इज द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स, ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो लोगों को क्या अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, उन लोगों को डेवलप करना चाहिए कि वो मानवीय जीवन में मानवता के लिए एजुकेशन का विकास करें, क्लासिकल आर्ट का विकास करें, लिटरेचर का विकास करें, साइंस का विकास करें, यानी कि पूरा अगर इसको लब्बो लुआब कहें उर्दू में, जैसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं, कि आदमी का हर एक एक्ट, मैंस एक्ट, ठीक है, शुड कंट्रीब्यूट, ये मेरे लैंग्वेज में लिखा दे रहा हूं, टू ह्यूमन हैप्पीनेस, उसका रिजल्ट ह्यूमन हैप्पीनेस होना चाहिए, ह्यूमन हैप्पीनेस, एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से रेनेसा डार्क एज का रिएक्शन है और डार्क एज के जस्ट ऑपोजिट होता है, डार्क एज में कुछ नहीं होता, तो रेनेसा इस बात पे जोर देता है कि जितनी भी चीजें आदमी करे वो या तो आदमी के लिए खुशी लाए, आदमी के लिए आगे बढ़ने का माध्यम हो और आदमी विकसित हो। सो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर एक्शन या हर काम में, हर सोच में, हर विजन में किसको सेंटर में रखना है, बोलो किसको सेंटर में रखना होगा, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, तो मैन इज द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स। सो ह्यूमैनिज्म का आइडिया यही बताता है कि एवरी इन एवरी एक्ट ऑफ अर्स, इन एवरी आइडिया, इन एवरी विजन, देयर शुड बी वन सेंट्रल अप्रोच, एंड दैट इज, दैट मस्ट बी, यू नो, सराउंडेड अराउंड ह्यूमन और मैनकाइंड। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अगर कोई कहे कि ह्यूमैनिज्म क्या था, ये था, तो वो कहते हैं एजुकेशन में हो, क्लासिकल आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, साइंस में, सब। अब क्या हुआ, इन्हीं चीजों के चलते अब कुछ इन्वेंशन होने लगे। तो 1450 में इस पूरे ह्यूमैनिज्म के चलते एक बहुत बड़ी घटना हुई कि जर्मनी में गुटनबर्ग ने एक खतरनाक इन्वेंशन किया जिसने पूरे ह्यूमैनिज्म को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, और 1450 में इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हुआ। ये भी एक बहुत जबरदस्त घटना है, सबसे बड़ी घटना समझ लो इतिहास की,
ठीक है, तभी तो इस इन साहब से फिर हमारे वो लेके आए इसको 1476 में लंदन सीख सूख के। बताओ कौन साहब लेके आया 1476 में वेस्टमिंस्टर एबे में सेटअप किया जिसने? विलियम ठीक है, वो कैक्सटन। पूरे इनसे 26 साल बाद इंग्लैंड में लेके आया इधर। ठीक है, अभी तुम्हें एक और क्वेश्चन बता दूं यहीं पर, एक चीज और बता रहा हूँ, वो यहीं पर कोने पे बता रहा हूँ, उसके बाद फिर ह्यूमैनिज्म में आएंगे। क्योंकि इटली में भी सबका आना जाना लगा रहता था बिजनेस के लिए, तो फ्रेंच व्यापारी यहाँ बहुत आते थे, तो इटली से फ्रेंच लोगों ने कॉपी करके ये सब चीजें अपने वहां पहुंचानी शुरू की। तो दूसरे नंबर पे जो यूरोपियन कंट्री आगे बड़ा एडवांसमेंट में, वो फ्रांस था, और इसलिए रेनेसा का अगर क्रम पूछेंगे तो पहले नंबर पे इटली और दूसरे नंबर पे किसको दिखाओगे? फ्रांस को। और फ्रांस के फ्रांस। साथ इसका धुर विरोधी इंग्लैंड, जो दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी, तुमने सुना ही होंगे इतने वॉर जो है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड जो है ये इसने कॉपी किया फिर, और चौसर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। कभी सीक्वेंस पूछेंगे तो रेनेसा का ऐसे फ्लो रहा है, 1, 2 और 3। इसलिए तभी जब चौसर वगैरह इसको लेके आए, तो तब तुम जानते हो कि जब शेक्सपियर आया तब तक इंग्लैंड पूरी तरह रेनेसा के रंग में डूब चुका था, और पूरा फुल ब्लूम में रेनेसा चल रहा था। ये इतने 100 साल लगते हैं इधर से उधर जाने में, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक पूरा फ्लो था रेनेसा का। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके अब आते हैं कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग अगर प्रेस एक बहुत बड़ी चीज थी। हाँ बोलो। ओके, अब जब प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया भाई, ठीक है, इससे कितनी जबरदस्त चीज हुई। देखो, एक तो एक क्वेश्चन और बता दूं भाई, जो गुटनबर्ग था अपना, भैया ऐसा मत करो, ड्रैगन वाली सांसें हैं यहां पर, मैं गल जाऊंगा इधर दूर से ही। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है यहाँ थोड़ी हिलमिल हो गई, तो जरा ध्यान से माइक ऑफ करें। गुटनबर्ग ने जो पहली किताब छापी, ठीक है, और वो किताब जो थी, ये अपने आप में इतिहास में कुछ समझने के लिए हमें बताती है कि इतिहास कैसे जाता है। जो पहली किताब छापी है गुटनबर्ग में, वो थी एक बाइबल, फर्स्ट बुक। देखो, ये हमें इतिहास सब चीजों को बताता है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कि रिलीजियस चीज समाज में कितनी पावरफुल थी, रिलीजन कितना पावरफुल था। अगर आज के जमाने में कोई चीज इन्वेंट होती, तो वो रिलीजन को कभी नहीं छापता, वो कुछ और चीजों को छापता, नए इन्वेंशंस, नई चीजों को। लेकिन उस समय सारी चीजें रिलीजन पे ही टिकती थी सारी। ठीक है, तो पहली बुक इसने बाइबल छापी थी, जबकि इसके शिष्य ने, विलियम कैक्सटन ने, वहां आके पहली कौन सी छापी थी? रेक्ल्यूज ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, कुछ ऐसे ही थी ना बुक। बोलो। हिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक यस सर। है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। हाँ एग्जैक्टली। अब इस समय किताब की जो अपनी बात थी, वो कितनी गजब थी कि पहले आइडियाज फ्लोट नहीं हो सकते थे, अब आइडिया फ्लूइड बन गए, लोगों के हाथ में पहुंच गए आइडियाज। पहले अमीरों की जो है सिर्फ अलमारी की शान हुआ करते थे आइडियाज, क्योंकि ज्ञान भी अमीरों के वहां मिलता था, उनकी किताबें इतनी महंगी होती थी, पार्चमेंट पेपर या कपड़े में लिखी हुई या फिर ऐसी, तो वो बहुत ही संभाल के रखी जाती थी और बहुत एक्सपेंसिव होती थी। गुटनबर्ग ने ह्यूमन काइंड को ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए कितना बड़ा एक गिफ्ट दिया। ठीक है, फिर तो क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे पेट्रार्क हो गया, बोकैशियो हो गया, इन लोगों ने खूब ग्रीक और रोमन कल्चर और क्लासिकल को आगे बढ़ाया, और फिर किताबों के रूप में प्रिंट होने लगा और ये लोग छा गए। और दांते, बोकैशियो, पेट्रार्क, इन सबको आप जानते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं? ओके यस और सर। इन्होंने फिर इतनी चीजें ह्यूमन काइंड को दी हैं कि वो अपने आप में एक मिसाल बन गई आगे आने वाले टाइम पे। तो ये प्रिंटिंग का कमाल था। और जो मिशनरीज थी,
वो काफी तेजी से अपने प्रचार प्रसार में लग गई, और इस तरीके से ये प्रिंटिंग प्रेस ने एक बहुत जबरदस्त काम किया। जो स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिज्म की हम बात कर रहे थे, उसमें बेसिकली जो है वो कहते थे कि वो पूरी तरीके से इंसान की तारीफ करने के लिए था, उसकी प्रशंसा करने के लिए। और वो कहता था कि ह्यूमैनिज्म जो पूरी तरीके से कहता था इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिविजुअल को राइट मिलने चाहिए, कोई किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। और वो कहते थे कि एक चीज पे वो खास बिलीव करते थे कि आदमी अपने सारे सुखों के साथ दुखों के साथ, ठीक है, अगर वो यहाँ है तो वो अपने दुख भी इंजॉय करेगा, सोरोज से भी होके जाएगा, लेकिन वो ये कहते थे कि रिलीजियसली उसे क्या नहीं होना चाहिए, एथीस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि फिर से रिलीजन की बात आई, ठीक है। और उन वो क्या कहते थे, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन को तो ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है, नेचर को भी ग्लोरीफाई करते थे, ठीक है, लेकिन कई एक लोग क्या कहते थे कि दूसरी दुनिया को वो नहीं मानते थे कई एक लोग। तो इस तरीके से सारा फोकस ह्यूमैनिटी पे था। अब एक चीज इसमें आती है, उसको कहते हैं मर्केंटलिज्म। तो मर्केंटलिज्म अगला फीचर है जिसको हमें समझना है, और फिर इसके बारे में कुछ मैं अपनी पीडीएफ से कुछ बताऊंगा वो आपको इसके बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मर्केंटलिज्म ह्यूमैनिज्म के बाद। इतना काफी है, मैं और गहराई पे नहीं जाऊंगा, ये सब चीजें बहुत गहरी भी हैं, ठीक है। मर्केंटलिज्म केवल आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि वो ऐसा क्वेश्चन दे दे कि अमंग दीज फोर विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ रेनेसा, और उसने एक दे दिया ह्यूमैनिज्म, एक मर्केंटलिज्म, एक कुछ और, एक कुछ और। तो अगर मर्केंटलिज्म पता नहीं होगा तो आप इसे फिर से रॉन्ग कर देंगे। एम आई राइट और नॉट? यस सर। मर्केंटलिज्म क्या है? मर्केंटलिज्म पूरी तरीके से जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। आप किसी ह्यूमैनिटी और किसी से चीज से ना रिलेट करके इसको ये समझ लें कि ये इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी। इस इकोनॉमिक थ्योरी की क्या बात होती है? तो मर्केंटाइल सिस्टम या थ्योरी जो है वो क्या चीज है, इस पे बात करते हैं। और ये हम जान लें कि एक ऐसा सिस्टम है इन विच ए कंट्री अटेम्प्ट्स टू एमास वेल्थ थ्रू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग मोर देन इट इम्पोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग स्टोर्स ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल। एक ऐसी प्रणाली है, मान लिया कंट्री वन है तो कंट्री टू, कंट्री थ्री, कंट्री फोर, कंट्री फाइव। अब ये हैं तो सब राइवल्स आपस में, चाहे आप सिंबॉलिकली समझें, राइवल्स का लिटरल मीनिंग दुश्मन है, लेकिन एक तरीके से राइवल्स हर कोई वो है जो आपसे कंपीट करता है इकोनॉमी में। अब ये लोग कहते थे कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं इस थ्योरी के हिसाब से वो इम्पोर्ट से अधिक होने चाहिए, ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स, तब आपके पास पैसा आएगा। और दूसरा ये कहते थे कि आप अपने अंदर कंट्री में स्टोर करके रखें जिनकी कीमत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे गोल्ड या मेटल्स, सिल्वर वगैरह, और जो ज्यादा कीमती मेटल्स होते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। हालांकि ये थ्योरी काफी टाइम तक चली, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी में नई थ्योरी आई, नए थिंकर्स आए, तो इस थ्योरी का प्रभाव कम होता चला गया और खत्म हो गई। बाहर की जो राइवल पावर्स हैं, ठीक है, उनको काउंटर करने के लिए होनी चाहिए, यानी कि वो हमेशा इकोनॉमिकली ऐसी पॉलिसीज बनाए कि बाहर के जो दुश्मन हैं या बाहर के लोग हैं वो हमारी इकोनॉमी में ट्रेसपास न कर पाए, ठीक है, वो हमको कहीं से कमजोर न कर पाए, ठीक है। इसको इकोनॉमिक काउंटर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म भी कहा जाता है, जो हम गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना बता दें कि एक तरीके से इकोनॉमिकली अपने को एब्सोल्यूट पावर लेने वाला। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, स्कॉटिश एडम इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का नाम सुना होगा तुमने,
बाद में जो है वेल्थ ऑफ नेशन ने मर्केंटलिज्म को ही पॉपुलराइज किया था। अगर आपको याद हो कि एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन जो बाद में आती है, यस उसने सर, भी इसी चीज को प्रपोज किया है, क्योंकि ये भी 18 सेंचुरी में आई थी, 1776 में, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये अपने राष्ट्र को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की बात करते हैं इकोनॉमिकली, कि वो किसी भी दूसरे राष्ट्र की धुरी चैलेंज के सामने खड़ा हो सके, चाहे वो किसी भी तरीके से वहां सेंध लगाने की कोशिश करे। सो दिस इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म। बस इतना काफी है, इसकी गहराई में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है आपको। बस तीसरी चीज हुई मर्केंटलिज्म के अलावा, अगला फीचर है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस की बिगनिंग हुई, और बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस का मतलब क्या था? अब क्योंकि ह्यूमैनिज्म के रिले काम हो रहा था, तो हर चीज में इन्वेंशन हो रहा था, ठीक है। आपने देखा कि गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, ठीक है, और लोग इंटेलेक्चुअली चीजों को समझने लगे। और इसके अलावा रेनेसा थिंकर ने एक चीज को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम ब्लाइंडली चीजों पर बिलीव करना रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नॉलेज को गेन करें और उसको एनालाइज करके चीजों को समझें। ये एक नया आउटलुक वहां पर शुरू हुआ, और इसके लिए जब ऐसा आउटलुक शुरू होता है तो एक ही चीज डेवलप होती है, वो है आपकी रीजनिंग फैकल्टी, और तब आपका साइंस डेवलप होता है। तो इन्होंने क्या किया कि दे बिलीव्ड इन किस चीज में, नॉट फॉलोइंग थिंग्स ब्लाइंडली, क्वेश्चन करना सिखाया इन्होंने, और इससे साइंस आ गया ही, रीजनिंग आ गया ही, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी शुरू है। और इस तरीके से रेनेसा में साइंस की जो है एक आगे पूरा वेव चल निकली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेनेसा में, जिसको डिस्कस करे बिना जाया नहीं जा सकता, वो है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस, ठीक है। और उसके बारे में आपको क्या बताएं, क्योंकि आर्ट, आर्किटेक्चर ऑफ साइंस में इतना किया है रेनेसा ने कि लगभग पूरा रेनेसा उसी पे सिमटा दिखता है। जैसे आपने कभी लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना होगा, यस सर, तो लियोनार्डो दा विंसी जो है आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट एटसेट्रा, तो वो उसने जान तो पेंटिंग के साथ किस चीज को मिक्स कर दिया, मेडिसिन को। ही हैज पेंटेड और ही हैज मेड पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। उन दिनों कोई हमारे पास स्कैनिंग मशीन और एक्सरे मशीन थोड़ी थी, इसने आदमी के बारे में जो पेंटिंग्स बनाई है जिसमें पूरा शरीर विज्ञान खोल के रख दिया आदमी का, वो आज भी अक्षर अक्षर बहुत ही 100 नहीं तो 99% उसकी चीजें सही बनती हैं, बिल्कुल ठीक है। दिस इज अ ग्रेट डिस्कवरी इन ए वे, ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है लियोनार्डो दा विंसी से। तुम्हें जानते हैं क्या आया, एक बहुत बड़ा इंग्लिश का शब्द आया जिसका नाम है एम्बिडेक्स्ट्रस। ये सुना होगा आपने एम्बिडेक्स्ट्रस। एक्चुअली क्या है कि उन दिनों डेक्स्टर का मतलब होता था हैंड, और अस जहां पर भी लगता है तो उसको हम कहते हैं कि स्किल, स्किल्ड या जो भी है उसको यूज करने वाला। ये लियोनार्डो दा विंसी इतना जबरदस्त पेंटर था कि वो दो हाथों से दो जगह पे दो अलग अलग पेंटिंग बनाता था। तो उस समय एमबी का मतलब होता है बोथ, तो ही यूज टू एक्चुअली यूज हिज बोथ द हैंड्स वेरी डेक्स्ट्रसली, वेरी स्किलफुली, ठीक है। तो उसके हाथ जो थे वो दोनों से ही आया और स्किल से आया, तो एक तरीके से दोनों हाथ को यूज करने वाला था, तो लोगों ने डेक्स्ट्रस कहना शुरू किया। लेकिन फिलोसफर भी था, एजुकेशनिस्ट भी था, और
और एक पेंटर भी था, तो उसको ऑलराउंडर कह दिया बाद में, तो एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड बाद में ऑलराउंडर बन गया, ठीक है, इसीलिए। लेकिन वो है दोनों हाथ को यूज करने से आया। डेक्स्टर का मतलब स्किल होता है, क्योंकि वो हाथ से रिलेटेड होता है। मोनालिसा जैसे कोई मैं नाम बताओ इसका। अश्करा मैम का माइक ऑन है। ओके, इनको मैं यहां से ही म्यूट कर देता हूं हमेशा के लिए। अब मेरी समझ में नहीं आता इन लोगों के माइक हट कैसे जाते हैं, पहले ही म्यूट कर दिया, चालाक भी बहुत हैं। ठीक है, बोलो, यहां तक क्लियर है? यस अब आते हैं नेक्स्ट चीज में। एक लियोनार्डो डा विंसी है, और अब इसमें क्या है, अब मैं आपको इसको पिन पॉइंटेड बताऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ एलटी के लायक पढ़ना है, और उस पिन पॉइंटेड के लिए मैं आपके साथ सर शेयर वॉइस कर रहा नहीं आ हूं। रही है। सर आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। बार नहीं आ रही होगी, आप जो है थोड़ा चाय वाय बनाओ, वॉइस आ जाएगी, अभी लालकों तक पहुंची है। ठीक है सर, इसकी एक सर फेमस पेंटिंग भी थी ना मोनालिसा करके, लियोनार्डो दा विंची हाँ, का। मोनालिसा तो है, जिसको बाद में टीएस इलियट ने कहा हेमलेट को कि मोनालिसा ऑफ लिटरेचर मींस फेलियर, हेमलेट इज अ फेलियर, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा एक डिफेक्टेड पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है, उसकी फेलियर माना आईब्रोज जाता भी थी। है, और फिर भी वो इतनी फेमस है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कारण उसका। अभी बोर्ड हट गया होगा, मैं क्योंकि वो शेयर कर रहा हूं आपसे, कुछ बढ़िया फीचर्स और जो शॉर्ट में पिन पॉइंटेड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत पिन पॉइंटेड नोट बना रखे हैं, आप देख लेना, इसमें जो जो कहीं पे मिस कर गया हूं उसे रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे ऑल्सो नोन एज द डार्क एजेस, द एरा इज ऑफन ब्रांडेड एज अ टाइम ऑफ वॉर, इग्नोरेंस, फेमाइन एंड पेंडेमिक सच एज ब्लैक डेथ। जानते हो कि उस एरा में ब्लैक डेथ भी एक बहुत तगड़ी चीज आई थी, और वो आपको पता है कि 1300, यस बोलो कितने में, 48, 1362, तेरह सौ सर, सड़सठ 67 67 70। ठीक है, इतनी बार रिपीट हुई है। ठीक है, इसको प्लेग कहते हैं। अब और दूसरा है फिर ह्यूमैनिज्म, जो कि मैं समझा चुका हूं, ये आपके लिए बहुत शॉर्ट बना के कर दिया है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, वह है मेडिसी फैमिली, ये मैं लाना चाह रहा था आपके सामने, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। तुम्हें याद होगा कि एक केल्टिक रेनेसा हुआ है लिटरेचर में, जिसमें डब्ल्यू बी येट्स ने आयरलैंड के लिटरेचर और साहित्य और माइथोलॉजी के पे बेस्ड, और उनको बचाने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे पहाड़ में कांचू को तुमर चल कहते हैं, तो कहता है वहां दिल्ली जरो को कमूण हूँ या देहरादून, और पूरी पहाड़ में लगता है इनर चल तो कमू खूब है, कमू को उनको लगता है बहुत पैसा वैसा कमा रहा है, पड़ोसियों के चेहरे अलग जले रहते हैं, फूके रहते हैं, लेकिन बच्चा वहां कितना बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी को नहीं पता। दिल्ली देहरादून जाना लोग सक्सेस का एक पर्याय मान चुके हैं, एम आई राइट और नॉट? यस ऐसे ही जो है यहाँ आयरलैंड में सब लंदन जाना और इंग्लैंड सेटल होना सफलता का पर्याय मान चुके थे, एक एक पूरा आयरलैंड पूरी तरीके से वहां चला गया था, इसने इसलिए आयरलैंड को सहेज के रखने के लिए इसने एक मुहिम चलाई, और उस मुहिम में आयरलैंड में एबे थिएटर की स्थापना की, लेकिन क्योंकि आयरलैंड को बचाना चाहता था, माहौल बनाना चाहता था, लेकिन उसके लिए भैया पैसा लगता है कि नहीं लगता? यस तो वो पैसा लगाने के लिए उसने फाइनेंसर को ढूंढा जो उसी में इंटरेस्ट रखती थी लिटरेचर में, उसका नाम था लेडी, क्या नाम था बताओ जल्दी, लेडी ग्रेगोरी। ग्रेगोरी और वो ग्रेगोरी उनका पूरा एक पालनहार बनी इस पूरे मूवमेंट में। ऐसे ही भाई साहब, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं एक पैरेललिज्म क्रिएट कर रहा था, ऐसी एक फैमिली
और इसी फैमिली का नाम है मेडिसी फैमिली। बोलो क्लियर है? यस सर। इनका क्या काम था सुनो, जब फ्लोरेंस और इटली में जब ये सब रेनेसा स्टार्ट हुआ तो वो जो नए नए आर्टिस्ट जो आगे बढ़ रहे थे उनको फाइनेंस की जरूरत थी अपनी हुनर को फैलाने के लिए। तो पावरफुल मेडिसी फैमिली बड़ी पावरफुल थी, उसके जितने भी मेंबर थे उनको जो है 60 इयर्स तक उन्होंने रूल किया, और वो सॉरी 600 साल बोल दिया था, 60 इयर्स तक उन्होंने रूल किया और वो इस मूवमेंट के पालनहार रहे, और उन्होंने इन्हीं आर्टिस्ट को अपने तरीके से सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बहाने दिए, और इस वजह से ये मेडिसी फैमिली आज भी पूरे रेनेसा की बैकबोन मानी जाती है। ठीक है, जैसे ग्रेट इटालियन राइटर्स की बात करें, आर्टिस्ट की, पॉलिटिशियन की, ठीक है, और आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन की, तो पहले तो ये इटली सिटी स्टेट में ही था, वेनिस, मिलान, बोलोका, फरारा, रोम में। बाद में 15 सेंचुरी में रेनेसा स्प्रेड हो गया इटली से फ्रांस और फिर वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, तो इन सबको ले जाने में जो हाथ है, जो इन सबके लिए इतना प्रसार प्रचार करने में जो हाथ है, वो सारा मेडिसी फैमिली का है। तो एक क्वेश्चन है कि अ फैमिली विच सपोर्टेड द रेनेसा और कैन बी सेड द बैकबोन ऑफ द रेनेसा इज मेडिसी फैमिली। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं रेनेसा के कुछ जीनियस, जरूर वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जीनियस एक नहीं पूरी लाइन लग जाएगी, तो मैंने हल्का हल्का दो दो लाइन दिया है, इससे एक भी ज्यादा मत पढ़ना, और मैंने उसी में समेट दिया है कि उसमें से आएगा क्या। लियोनार्डो दा विंसी, इन्वेंटर, पेंटर, आर्किटेक्ट, मैंने बता ही दिया, इसको रेनेसा ना मैन कहते हैं, और इसकी दो ही पेंटिंग के नाम आएंगे, द मोनालिसा, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर वो पेंटिंग है जिसमें जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई कर दिया जाता है और वो फिर से जिंदा होके आते हैं और अपने कुछ खास शिष्यों और एक लेडी उनकी होती है शिष्या, उसके साथ जो है उन लोगों के साथ लास्ट सपर करते हैं और उसमें एक वाइन भी पीते हैं। वो वाइन कहते हैं जो कप में छोड़ गए, वो वाइन उनके शिष्यों ने सहेज के रख ली, फिर वो फिर से डिवाइन हो गए, और वो वाइन के लिए वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हर मर्ज की दवा वाइन है, किसी को भी अमर कर सकती, किसी को भी सही कर सकती है, और उसको वो कहते हैं, उन्होंने संभाल के रख दिया, जहां उसे संभाला है उसे वो कहते हैं होली ग्रेल है, कोई कहता है, कोई खून से रिलेटेड चीजों को होली ग्रेल कहता है, उस बाद में कभी बात करेंगे। तो उस होली ग्रेल की खोज में लोग कहां कहां गए और कितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी बन गई है। ये वही पेंटिंग है जो उस लास्ट सफर की बात करती है, समझ गए? ओके, डेसिडेरियस इरेस्मस को सब जानते हैं, इरेस्मस वही जिसने कौन सी लिखी थी बताओ, द प्रेजेस ऑफ फॉली। ये जो यूटोपिया लिखने वाले थे मूर और इरेस्मस, इन्हीं लोगों ने पूरे पोस्ट चौसेरियन एज में थोड़ा बंजर को हरा किया था, नहीं तो सारे लोग बस चौसर को ही फॉलो कर रहे थे, याद है तुम्हें? Yes, sir. ये वही इरेस्मस है जिसका पूरा नाम है डेसिडेरियस इरेस्मस। रेने डेकार्ट, रेने डेकार्ट वही है, एक फिलोसोफर है जो तुम्हारे जो है नेट वाले पढ़ते हैं थ्योरी में, आई थिंक देयर फोर आई एम कहा था उन्होंने, इसमें से 100% क्वेश्चन बन सकता है, उन्होंने ये कहा था मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, आई थिंक देयर फोर आई एम, रेने डेकार्ट, याद रखना, दिस कैन बी ए ग्रेट क्वेश्चन। मैथमेटिशियन भी था, फिलोसोफर भी था, और उसे फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कहते हैं, दिस इज द अनदर क्वेश्चन। मेरी एक एक लाइन में भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि आप नोट्स में कितना सजावट कर लो, कितनी वो चीजें कर लो, आप कितना पिन पॉइंटेड और पते की बात ला रहे हो, दिस इज व्हाट इज एसेंशियल, और यही मैटर करेगा एग्जाम में। बोलो सही है? Yes, sir. और दूसरा yes, वो नेट लेवल के नहीं होने चाहिए और वो बहुत हाई फाई लेवल के नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इट इज अ वेरी वेरी यू कैन से अ वेरी सेंसिटिव प्रिपरेशन, ये वॉर लाइक प्रिपरेशन है, इसमें बहुत कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा, अदरवाइज सब लोग सिलेबस के जंजाल में घिस के मर जाएंगे और एक दिन किताबों के बीच में एक आत्मा दबी मिलेगी, वो तुम्हारी होगी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ऑलराइट, गैलीलियो, इटालियन एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट, इंजीनियर,
मतलब इतना काफी है, पायनियर वर्क उसका टेलीस्कोप। उसने कहा डिस्क्राइब द मून्स ऑफ जुपिटर एंड रिंग्स ऑफ सैटर्न, तीन क्वेश्चन बन गए। और उसको अरेस्ट किया क्योंकि वो लोग उनको बिल्कुल ये पसंद था इस व्यू ऑफ हेलोसेंट्रिक यूनिवर्स, उसने कहा हेलोसेंट्रिक यूनिवर्स से। और इस तरीके से ये गैलीलियो में क्वेश्चन आएंगे, रिंग्स ऑफ सैटर्न ढूंढने वाला, मून्स ऑफ जुपिटर, टेलीस्कोप बनाने वाला। निकोलस कॉपरनिकस एस्ट्रोनॉमर पहला जो है मॉडर्न साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट किया था हेलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम पे इसने, ठीक है। थॉमस हॉब्स कैसे भूल सकते हो, लेवियाथन, लेवियाथन का मतलब सी मॉन्स्टर, याद आ रहा है? यस सर। लेवियाथन का मीनिंग होता है सी मॉन्स्टर। आज तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ट्रीटाइज है, पॉलिटिकल बुक है पुराने, उसमें बहुत जबरदस्त, ठीक है। जॉफरी चौसर को कौन भूल सकता है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश, क्या बोलो, कितने नाम थे उसके, द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश क्या कहते हैं, नोवल लिखने वाला। गियोटो इटालियन पेंटर, ह्यूमन इमोशंस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी पेंटिंग। और उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, उसने फ्रेस्कोज बनाई। और फ्रेस्कोज क्या होती है, फ्रेस्कोज वॉल पेंटिंग को कहते हैं, ठीक है। और वो सारे फ्रेस्कोज उसने कहा किए, पैडुआ में एक जबरदस्त चर्च है उसमें किया। अगर पैडुआ का ये स्क्रोवेग्नी चैपल आप देख लो, आप पागल हो जाओगे, हैरत भरी उसकी पेंटिंग देख के दीवारों पे। फ्रेस्कोस कहते हैं, फ्रेस्को इटालियन वर्ड ही है, और ये आपके वर्ब सिनोनिम में भी आ सकता है या वो वर्ड में भी आता है ये। और फ्रेस्कोस का मतलब वॉल पेंटिंग्स होता है, याद रखना, ठीक है। दांते को जानते हैं, डिवाइन कॉमेडी बियास्त्रिस को देख के उसने लिख डाली। मैकियावेली को कौन नहीं जानता, बेकन ने जिसको फॉलो किया, बड़ा श्रूड माइंडेड व्यक्ति कहा जाता है। इसके जो दो वर्क हैं, उनके जो सबसे फेमस वर्क है द प्रिंस, द डिस्कोर्स ऑफ ऑन लिवी। टीशियन है, वीनस एंड एडोनिस और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, हम कोई बहुत नए नहीं है, 1488 से यहाँ पर है, याद रखना। विलियम टिंडेल तुम जानते हो, इसको जला दिया गया, ठीक है, बाइबल के उसमें लिखने की वजह से, विलियम बाय। तो ये सब चीजें आप कर लेना, ये आप समझ सकते हो। इन हर एक चीज में मैंने क्वेश्चन पिरो रखे हैं, ठीक है, बस इससे ज्यादा गहरा नहीं जाना है। रेनेसा के आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंस के बारे में जो हम बता रहे थे वो मैंने यहाँ लिखा है। और जो पेंटिंग में से एक पक्का फंसेगी एग्जाम में वो ये लिखी है, इसके अलावा अगर कोई दूसरी पेंटिंग आ गई तो तब कह देना मेरे से, यही पेंटिंग आएगी। द मोनालिसा, द लास्ट सपर, स्टैच्यू ऑफ डेविड, माइकल एंजेलो की, द बर्थ ऑफ वेनस, बोटिसेली की, और द क्रिएशन ऑफ एडम, माइकल एंजेलो। इससे बाहर कोई पेंटिंग नहीं आएगी अगर पेंटिंग पूछेंगे। रेनेसा एक्सप्लोरेशन, तो रेनेसा एक्सप्लोरेशन, रेनेसा इस पे और एंड ऑफ रेनेसा, और इस पे हम जो है हल्का सा 5 मिनट कल देंगे, ठीक है, और अभी हम इसको यहीं खत्म करते हैं क्योंकि